हे एवरीवन, एक और नए वीडियो में आज वीडियो में बात करने वाले हैं लास्ट ईयर क्या कट ऑफ रहा था सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज का। और ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा काउंसलिंग करते टाइम, आपको एक आइडिया देगा कि किस कैटेगरी का, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि जो OBC और EWS का जो सीट्स है और जो रिजर्वेशन है वो केवल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में अच्छे से बताया हुआ है। तो आपको पता लगे किस रैंक तक आपको कॉलेज अलॉट हुआ है OBC कैटेगरी के लिए, SC कैटेगरी के लिए, ST कैटेगरी एंड देन जनरल EWS सब के बारे में। आपको जैसा कि एक और बात अगर पता होगा कि जो कौन कौन सी आपकी सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ है, आपकी तीन सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ है। आपका फर्स्ट इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, सेकंड इज रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो आपकी झांसी में है, पहला वाला यूनिवर्सिटी बिहार में, तीसरा सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो कि आपकी इम्फाल में है। तो अभी इस वीडियो में हम कैटेगरी वाइज जानने वाले हैं उनकी कट ऑफ के बारे में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, क्योंकि आप इनको अपनी प्रेफरेंस में रखोगे तो आपको एक बार पता तो मुझे राउंड वाइज लास्ट ईयर कितने रैंक तक ही आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ मिली हैं, जिससे कि आप इसको अपनी प्रेफरेंस में रख सको। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, आगे आपको कैसे काउंसलिंग करना और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज आपके लिए लाता रहूँगा। और अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जाके जल्दी से ज्वाइन कर लो, इस पर वीडियो का आपको जो भी PDFs होते हैं वो सब टेलीग्राम चैनल पर मिलते हैं, और जो भी अपडेट होता है काउंसलिंग से रिलेटेड और जो भी अभी आगे जो भी फर्दर प्रोसेस होगा तो इसका आपको जो इन्फॉर्मेशन है, जो भी नोटिफिकेशन आएगा वो द स्टडी अटैक का जो टेलीग्राम चैनल है इस पर मिल दी जाएगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलो स्टार्ट करते हैं कैटेगरी वाइज कट ऑफ रैंक ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी। चलो मैं अपनी फ़ोन की डिस्प्ले पे लेके जाता हूँ, आपको वन बाय वन कैटेगरी वाइज बताता हूँ। सबसे पहले देखने वाले हम जनरल कैटेगरी, देन OBC कैटेगरी, फिर EWS, फिर SC एंड ST। चलो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है कि पहला यूनिवर्सिटी सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो आपकी इम्फाल वाली है, अब इसमें राउंड वाइज आपको पता लग जाएगा कितना रैंक तक लास्ट ईयर मिला है, क्योंकि आपको पता है जो इसमें ये जनरल सीट्स हैं, जनरल सीट्स को कोई भी ले सकता है, जनरल सीट्स इनको मतलब अनरिजर्व सीट, इसको आपका OBC वाला भी ले सकता है, SC वाला भी ले सकता है, ST वाला भी ले सकता है, PWD वाला भी ले सकता है, तो कोई भी कैंडिडेट ले सकता है, अनरिजर्व में किसी का रिजर्वेशन नहीं होता है। चलो देखो फर्स्ट राउंड में ये जो आपकी सीट अलॉट हुई, देखो 2050 रैंक तक, 1442 और देखिए 2300 तक भी आपको अलॉट हुई है। देन सेकेंड राउंड में आप देख सकते हो 4500 तक आपको सीट मिला है, और थर्ड राउंड में आप देख सकते हो 4500 या 4700, आप देखिए 49 आपका 4938 रैंक तक भी मिला है। देन देखिए फोर्थ राउंड जो इसको मॉपअप राउंड बोलते हैं, ये 5000 तक इसमें सीट अलॉट हुआ है। देन दूसरी यूनिवर्सिटी है आपकी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो जनरल कैटेगरी में, देखिए फर्स्ट राउंड में कितना कट ऑफ गया इसका, फर्स्ट राउंड में आप देख सकते हो 1800 2400 2600 मैक्सिमम 2700 2800 के अप्रोक्स आपका इसका गया, जो कि हिमाचल प्रदेश का बंदा था जिसको ये सीट मिला है। देन सेकेंड देखिए सेकेंड राउंड में जो आपको अलॉट हुआ है ये आपका 4499 रैंक, और ये देखिए 4500 रैंक, तो मतलब 4K के अप्रोक्स में आपको ये सीट अलॉट हुआ सेकेंड राउंड तक। और थर्ड राउंड में आप देख सकते हो, आप स्क्रीनशॉट ही ले सकते हो इसका। देन थर्ड राउंड में आप देखिए कितने तक मिला है मैक्स टू मैक्स, ये देखिए 5419 रैंक तक ये थर्ड राउंड में अलॉट हुआ है लास्ट ईयर। तो आप ऐसे आइडिया लगा सकते हो कि अब की बार आपका कितना कट ऑफ, मतलब कि आप इसको अपना अगर इतना आपका रैंक आ रहा है तो आपने इसको प्रेफरेंस में रख सकते हो, जब लास्ट ईयर मिला तो अभी भी चांसेस है। अब की बार तो दो फैक्टर्स और रोल प्ले करेगा कि जो स्टूडेंट तो कम बैठे हैं और दूसरा सीट्स इंक्रीज़ हुई हैं, स्टूडेंट कम अपीयर हुए हैं और सीट भी इंक्रीज़ हुई है, तो कॉज यही रहेगा कि कट ऑफ ज़्यादा इंक्रीज मीन्स कट ऑफ बढ़े नहीं, लो कट ऑफ जाए। देन लास्ट है आपका जो झांसी वाला यूनिवर्सिटी, तो झांसी वाले में देखिए फर्स्ट राउंड में आपका देखिए 1500 के अप्रोक्स में आपका, देखिए 1900 में भी एक राजस्थान के बंदे के लिए मिला है, सेकंड राउंड में देखिए 2700 2800 और ये भी देखिए 2900 रैंक तक भी मिला है आपको, एंड आपका थर्ड राउंड में देखिए थर्ड राउंड में बस 3000 बिहार के बंदे के लिए 3968 रैंक पर आपको ये अलॉट हुआ है। सो आई होप आपको अभी तक इसमें पता लगा, ये जो मैंने अभी बताया आपको ये है जनरल, जो जनरल सीट्स हैं। तो अभी अब बात करते हैं हम OBC सीट्स की, जो OBC कैटेगरी में कितने रैंक तक आपको मिला है। चलो देखते हैं OBC में, देखिए सबसे पहले है रानी लक्ष्मीबाई, जो ये आपका जो डाटा है ये OBC कैटेगरी का है। OBC में देखिए फर्स्ट राउंड में आपको ये मिला है 2700 रैंक तक, सेकंड राउंड में आप देख सकते हो ये सेकंड राउंड में 4301 तक आपको मिला है। देन आपका देखिए थर्ड राउंड में ये आपको मिला है 5002 तक, ये आपको थर्ड राउंड में मिला है। तो ये रहा आपका
झांसी वाली यूनिवर्सिटी का ओबीसी कैटेगरी के लिए कट ऑफ क्या लास्ट ईयर, ये आपका जो रैंक है ये कैटेगरी वाइज रैंक नहीं है, ये आपका ऑल इंडिया रैंक है, ये आपका ऑल इंडिया रैंक है, इसका ध्यान में रखें आप बार ये कमेंट करने से पहले। देन नेक्स्ट आपका यूनिवर्सिटी है सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो इम्फाल वाला है, वो देखिए फर्स्ट राउंड में 3,325 रैंक तक, सेकेंड राउंड में 5,155, क्योंकि आप देखो काउंसलिंग आप कर रहे हो तो काउंसलिंग में किन चीज़ों का ध्यान रखना है, पहला तो आपको इनका देखना है कि कितने रैंक तक आपको कौन से आपके अकॉर्डिंग मिला है, दूसरा आपको फीस स्ट्रक्चर देखना है, उसका रिव्यूज़ देखना है, तब जाके आपको अपना प्रेफरेंस करना होता है। देन देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में देखिए फर्स्ट राउंड में आपको 3,400 रैंक तक आपको मिला है, क्योंकि एक चीज़ मैं आपको बोला फीस स्ट्रक्चर वाला, क्योंकि आप अच्छा कोर्स डिजर्व करते हो या कुछ अच्छा कॉलेज डिजर्व करते हो जिसका फी कम हो और आप उसको आपको ना मिले और आपको पता नहीं है, आप वैसे ही फिल कर दो तो आपके साथ बिल्कुल मतलब एक होता है गलत हो जाना। देन देखिए थर्ड राउंड में, ये थर्ड राउंड में आपका देखिए 6,490 रैंक तक भी आपको मिला है, और ये जो है मैं आपको बता रहा हूँ वो बीएससी एग्रीकल्चर का है, बीएससी एग्रीकल्चर का। तो देख लिया आपने ओबीसी कैटेगरी का, तो चलो अब बात करते हैं एससी कैटेगरी का। सो एसटी कैटेगरी का बताने से पहले आपको बता दूँ, अगर आपको काउंसलिंग में कोई भी दिक्कत होता है, अगर आपको चॉइस फिलिंग करने में दिक्कत होता है, आपको कोई आइडिया नहीं है, तो आप हमारा आईसीआर का जो पर्सनलाइज काउंसलिंग ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका प्राइस है 499 रुपीज़, और आपको ये कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, इसमें आप कॉन्टैक्ट, इसमें आपको कुछ नहीं करना होगा, इसमें आपका कंप्लीट काउंसलिंग हमारे द्वारा करके दिया जाएगा, ना ही आपको कोई भी साइबर कैफे के पास जाने का जरूरत है, ना ही कहीं जाने का, आप कभी भी कॉल कर सकते हो, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहीं किया जाएगा आपको कॉलेज तक, जब तक आपको आपका ऐसा नहीं कि आपका काउंसलिंग तक ही हमारा वो रहेगा, आपको कॉलेज अलॉट हुआ तो आपको सीट अलॉट, आप कॉलेज तक फिजिकल रिपोर्टिंग तक आपका सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि जो मेरा खुद यूनिवर्सिटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, तो इसमें मैक्सिमम सीट्स हैं आईसीआर का, तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट तो यहीं आने वाला है, सो उसका जो भी फिजिकल रिपोर्टिंग उसमें मैं आपको हेल्प करूँगा, सो कॉन्टैक्ट नंबर ये दिया हुआ है, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो चलो अब देखते हैं एससी कैटेगरी का। सो चलो ऐसी कैटेगरी में देखिए पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अब आप देखिए कितना सडन चेंज, देखिए 13,000 रैंक की, देखिए 12,000 रैंक के अप्रॉक्स में फर्स्ट राउंड में मिला है, सेकंड राउंड में देखिए ये देखिए 18,000, 14,000 रैंक तक, और आपको देखिए 20,000 रैंक तक भी आपको मिला। देन जो आप देखिए थर्ड राउंड में आपको जो सीट अलॉट हुई है ये 2300 के समथिंग अलॉट हुई है, और इसमें जो इम्फाल वाली यूनिवर्सिटी का कोई डाटा नहीं दिया है, तो हमने जो डाटा दिया वो आपको मैं बता रहा हूँ, झांसी यूनिवर्सिटी का देखिए 12,000 रैंक के अप्रोक्स मिला है, सेकेंड राउंड में देखिए 18,739 रैंक तक आपको ये अलॉट हुआ है, देन उसके बाद में देखिए थर्ड राउंड में 18,000 तक, तो देखिए 18K तक आपको बीएससी एग्रीकल्चर मिला है, किसका है ये बीएससी एजी का कट ऑफ है, एससी कैटेगरी का। अब आप देखिए एसटी कैटेगरी का कितना जाता है, सो देखिए एसटी कैटेगरी का देखिए फर्स्ट राउंड में आपका देखिए 14,000 रैंक, उसमें 12 केस स्टार्ट हुआ था, इसमें 14 केस, ये देखिए 15,000 तक भी, सेकंड राउंड में 20,000 तक गया, थर्ड राउंड में देखिए 31,000, ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। देन उसके बाद देखिए जो झांसी वाला यूनिवर्सिटी है, इसमें देखिए फर्स्ट राउंड में 12,000 के अप्रॉक्स, और सेकंड राउंड में 15,000, थर्ड राउंड में 27,445 रैंक तक आपको ये अलॉट हुआ है। तो यही था इनमें ओबीसी एससी एसटी का, ये जो अभी बताया था मैंने आपको एसटी कैटेगरी का बताया था। अभी बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बारे में। सो देखिए जैसा कि आपको दिख रहा है सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो इम्फाल वाली है, फर्स्ट राउंड में देखिए 3600 रैंक तक मिली है, सेकंड राउंड में 5,000 के, थर्ड राउंड में 7,000 के। देन उसके बाद में जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाली यूनिवर्सिटी है, फर्स्ट राउंड में देखिए 4,000 के अप्रॉक्स में मिली है, देन सेकेंड राउंड में आपको देखिए 5,000 के, एंड आपका जो थर्ड राउंड है उसमें देखिए बिल्कुल 6K के अप्रॉक्स में आप समझ सकते हो, 5,922 के। देन उसके बाद में आपका है लास्ट झांसी वाला यूनिवर्सिटी, क्योंकि मैंने इसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी को इंक्लूड किया, बट इसमें कुछ यूनिवर्सिटी आई है, तो देखिए जो झांसी वाला यूनिवर्सिटी है वो देखिए बिहार का आपका 2,880 रैंक पर मिला है। देन ओवरऑल अगर हम देखें तो ये जो थर्ड राउंड तक 5,777 रैंक तक आपको ये अलॉट हुआ है। तो ये रहा था आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का डाटा। सो आई होप आपको जो मैंने अभी बताया था वो आपको समझ आया होगा, जनरल का, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी का। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो, और ये आपको बहुत हेल्प करेगा भाई, बहुत हेल्प करेगा। आप थोड़ा अच्छे से इसको एनालाइज करें, आपको काउंसलिंग करना, अगर आपको खुद से काउंसलिंग करना है तो आप इसको एनालाइज करें, इससे आप डाटा निकालें कितने तक मिला आपको, कैसे अपना चॉइस प्रेफरेंस देना है। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, आगे भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज आएंगे, मैं और भी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में आपको बताऊंगा कि जिनका कम कट ऑफ जाता है और उनको आप अपनी प्रेफरेंस में दे सकते हो। सो इस वीडियो में इतना ही, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद द स्टडी एटिक।